तो मध्य प्रदेश में हाल में ही पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं। सरपंच सहित सभी पंचों ने भ्रष्टाचार ना करने की शपथ ली, लेकिन शपथ सिर्फ मौखिक रूप से ली गई है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है सिवनी जिले में एक सरपंच को, जहां लोकायुक्त की टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जनपद पंचायत घसारों की ग्राम पंचायत सुचान मेटा के नवनिर्वाचित सरपंच शिव कुमार उइके को लोकायुक्त जबलपुर ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त ने जो कार्रवाई की, क्या कार्रवाई? मुकेश कुमार गोल्हानी ये कंप्लेनेंट है। इन्होंने कंप्लेन की थी कि ये ग्राम कटिया में अपना प्लांट लगाना चाह रहे थे ईंट का, तो उस संबंध में उनको जनसंख्या प्रमाण पत्र और एनओसी चाहिए थी वहाँ की पंचायत से। तो सुचान मेटा एरिया सरपंच जो है वो शिव कुमार उइके, उनके द्वारा 20,000 रुपये की डिमांड की जा रही थी। तो आज उनको 15,000 की राशि देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। अभी कार्रवाई जारी है? जी, कार्रवाई जारी है। क्या नाम लिखते हैं पूरा? जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं मैम? कौन आप? सुरेखा परमार। पद क्या है? इंस्पेक्टर लोकायुक्त जबलपुर। थैंक यू। शिकायत की थी, क्या है मामला? मामला ये है सर, मैं अपना ईंट का प्लांट डालना चाहता था ग्राम कटिया में, व्यावसायिक जमीन है मेरी वहाँ पे, तो मुझे एनओसी की जरूरत पड़ी बैंक लोन हेतु, एनओसी एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र। तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि आपको एनओसी के लिए 20,000 रुपये की राशि देना पड़ेगा। 20,000 रुपये की राशि देने पर तो मैंने लोकायुक्त सब से संपर्क किया, उनने 15,000 रुपये में डन हुई बात की, 15,000 में हो जाएगा आपका, तो 15,000 रुपये दे दिए रंगे।